पकड़ ले ग्रेटा पकड़ ले। हाय गाइस, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज एक और ड्रैग रेस लेके आया है, ह्यूंडई क्रेटा टर्बो पेट्रोल टर्बो वर्सेस फोर्ड फीगो डीजल। तो जो इंजन है अपनी क्रेटा का वो तो आपको पता ही है भाई, 1.4 पेट्रोल टर्बो इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 138 bhp 242 nm टॉर्क। और बहुत डिमांड आ रही थी भाई इस गाड़ी के साथ ड्रैग करो, फोर्ड फीगो के साथ ड्रैग करो, फोर्ड एस्पायर के साथ ड्रैग करो, वो भी डीजल वाली से। तो आज हमारे पास फोर्ड फीगो है डीजल वाली, और जो एस्पायर है और फीगो है भाई इनकी सेम जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है। तो इसमें वेट भी कम है तो इससे करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वेट कम है एस्पायर से। तो फोर्ड फीगो की बात कर ली जाए इंजन की, तो इसमें आता है 1.5 डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp 215 nm टॉर्क। और ये गाड़ी मैनुअल है और ये अपनी है भाई ऑटोमेटिक DCT। तो DCT का लैग तो आपको पता ही है, ह्यूंडई का DCT कैसा है, घटिया, सबसे घटिया DCT है, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते भाई आज इनकी ड्रैग करके एक बार ओनर से आपको मिलवा देता हूँ। आ जाओ संदीप भाई, के हैं भाई फोर्ड फीगो के ओनर। संदीप भाई कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया दोस्त। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है जीतेगी यही क्रेटा। हाँ बाकी जीतेगी तो यही। हाँ मैं बस ये देखने आया हूँ कि ये बुरी तरह हारती है या टक्कर देती है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि फीगो एस्पायर आपकी गाड़ियों को हरा देगी। जितनी गाड़ियाँ हमारी हैं, जितने भी यूट्यूबर हम ड्रैग करते हैं, कि आप अपनी सारी गाड़ियों से ड्रैग करो, ये गाड़ी आपकी गाड़ियों को हराएगी। पार्शियली ट्रू। BS4 की जो गाड़ियाँ थी मैं उस पे दाव खेल सकता था। ये BS6 है। ये BS6 है। BS6 में इन्होंने गाड़ियों के वेट बढ़ाए हैं। पुरानी जो है 1500cc में 100 bhp थी, इसका 1.5 bhp कम किया है इन्होंने, 99 bhp कर दिया इन्होंने, वजन बढ़ गया गाड़ी का, टंकी फुल है। टंकी आपकी फुल है। हाँ। और मेरी में रिजर्व में है मेरी, आपकी रिजर्व, क्योंकि मैं ड्रैग करने आता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से। मैं हमेशा ड्रैग करने आता हूँ, ज्यादातर मेरी जब रेस करने आता हूँ तो 100 की रेंज रहती है, 100 से ऊपर रेंज में कभी लेके ही नहीं आता। इसका शायद पहला सेली गिरा हुआ है, बाकी 3/4 से भी ज्यादा टंकी फुल है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ड्रैग और पता ही चल जाएगा रिजल्ट। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ है द हाउस ऑफ कुकीज़ से। ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, और तेजस्वी, थैंक यू सो मच तेजस्वी ये कुकीज़ मेरे को भेजने के लिए। देख के मुंह में पानी आ रहा है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं भाई, इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि कुकीज़ कैसी हैं। गाइज अनबॉक्स मैंने कर लिया है और बड़ी मस्त पैकेजिंग लगी यार मेरे को, और डेक्स्टर भी बार बार आ रहा है कि कब खोलेगा और कब मुझे भी एक कुकी देगा। तो ये भी ताक में बैठा हुआ है और मैं खुद मुंह में पानी आ रहा है बस। लेकिन है ना, पैकेजिंग इतनी सुंदर है तो मेरा मन करा कि एक बार पैकेजिंग पहले दिखा दूं। और ये इनका कार्ड है भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा अगर आपको भी ये कुकीज़ खानी है। अभी मैं टेस्ट और करके बता दूंगा आपको कि ये कैसी हैं। और ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी, आप फॉलो कर सकते हो जाके, और इंस्टा या व्हाट्सएप कहीं पर भी आप इनको ऑर्डर दे सकते हो भाई। अब चलो टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसी हैं कुकीज़। और गाइज ये मेल्ट हो गई हैं क्योंकि मैंने इनको गर्मी में मतलब किचन में ऐसे ही रख दिया था। तो अब खा के देखते हैं भाई हाउस ऑफ कुकीज़ की कुकीज़। एक नंबर भाई, इस पर चॉकलेट लगी हुई है ना, एक नंबर टेस्ट दे रही है। क्रिस्पी भी है, मतलब ना ज़्यादा क्रिस्पी ना ज़्यादा सॉफ्ट, एक नंबर, जो जैसी होनी चाहिए ना, प्रॉपरली बेक्ड है। ये देखो ये भी आ गया, अब दूसरी ट्राई करते हैं। मेन तो भाई मेरा ये देख के मुंह में पानी आ रहा था, पर वो पहले ऊपर रखी हुई थी तो वो मैंने टेस्ट कर लिया, लेकिन ये तो मैं पूरी एक बारी, मैं ऐसा मन कर रहा है पूरी खा जाऊं। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं अब। ओए हाय, गजब, बहुत गजब, मज़ा ही आ गया ये वाली खा के। तो इसको तो देख के पहले से ये हो रहा था भाई कि यही वाली खानी है। इस मैंने दोनों कुकीज़ खा लिया, इसमें जो थी बड़ी टेस्टी थी, इसमें भी सेम है। ये मैं बचा लेता हूँ कशिश के लिए, और ये मैं भी खा लूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आपको भी ये ऐसी टेस्टी कुकीज़ खानी है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा भाई द हाउस ऑफ कुकीज़ का इंस्टाग्राम आईडी और हाउस ऑफ कुकीज़ का व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। और बिलीव मी भाई, अगर ऑर्डर करोगे ना तो बार बार करोगे, एडिक्टिव है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे से बेक हो रखी है कुकीज़, पक्का करना एक बार ऑर्डर और बार बार करोगे 100%। गाइज मैं चलाऊंगा अपनी क्रेटा टर्बो, और देखो मैंने बताया था फ्यूल में कम ही रखता हूँ ड्राइंग में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गाड़ी में 100-120 की रेंज मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स मोड मैंने लगा लिया है, ट्रैक्शन मैंने कर लिया है ऑफ,
ESC डिसेबल नहीं किया है, AC मेरा ऑन रहेगा क्योंकि मैं AC में ही करना चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि पावर का बहुत ज़्यादा फर्क है और वेट सेम ही होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ी ही हैवी मिल सकती है क्रेटा यार, क्या पता सेम ही हो। एक बार पूछ लेते हैं, आपकी गाड़ी AC ऑफ रख रहे हो और ट्रैक्शन मोड कोई आता ही नहीं है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली में भी नहीं गई और यू कितना गंदा लैग मारा यार, एयर फिल्टर चौक पड़ा है बिल्कुल, और स्टार्टिंग में निकल गई थी और अब 80 पे फिर निकल गई है भाई, और अब देखते हैं लास्ट तक कितना गैप बनाती है। काफ़ी भाइयों के डाउट्स थे कि यार जीत जाएगी फीगो, शायद जीत सकती है, तो भाई ये देख लो काफ़ी गैप से हार रही है, 160 अपनी गाड़ी चढ़ने वाली है। जीत गई है भाई क्रेटा टर्बो फर्स्ट राउंड में, इजीली जीत गई है। अब क्या करेंगे, इसका जो मोड है भाई वो लगाएंगे कंफर्ट, सेकंड राउंड हम करेंगे कंफर्ट में। तो अभी तो स्पोर्ट्स मोड में पहले राउंड में क्रेटा जीत गई, अब मैं इसको हाँ कंफर्ट मोड में लगा रहा हूँ, कंफर्ट में भी जीत जाती है तो इको लगाऊंगा, ठीक है। प्लस आपकी का AC ऑन है और इसमें ऑफ है। AC ऑन है मेरा भाई, पूरा बेनिफिट देंगे हम फीगो को, ठीक है। तो ड्राइवर्स रेडी हैं? बिल्कुल, एक मिनट कंफर्ट लगा लेता हूँ भाई मैं, ये लग गया कंफर्ट मोड। शीशा चढ़ा लो, शीशा चढ़ा लेते हैं, गैप बना लो, चलो। तो भाई सेकंड राउंड, ये इस बार निकल गई भाई फीगो आगे, और ओ भाई इस बार तो निकल गई यार काफी आगे, और अब देखते हैं इसको कैच कर पाएगी नहीं कर पाएगी गाड़ी। पकड़ ले क्रेटा, पकड़ ले, एंड में पकड़ेगी क्या, 120 130। यार ये DCT के लैग की वजह से है ना, हमेशा पीछे रह जाती है इनिशियल में, क्या कर रहे हैं यार इसका, और 150 में क्रॉस कर रही है भाई कंफर्ट मोड में। कंफर्ट मोड में ये रिजल्ट है, अगर इनिशियल की बात करो 150 की स्पीड तक तो भाई अपनी फीगो ही आगे थी और सारा सामान ब्रेक लेते ही आगे आके गिर रहा है, और बात करें 150 प्लस की तो भाई 150 के बाद ही आगे निकलती है। और अगर इसमें ये मैनुअल हो ये गाड़ी अपनी और DCT का या फिर DCT का लैग ना हो, ये टॉर्क कन्वर्टर की तरह लॉन्च हो जाए तो स्टार्टिंग से ही आगे रहेगी। अब मैं इसको करूँगा इको मोड में। भाई 150 पे क्रॉस करा है मैंने आपको, हाँ 150 पे क्रॉस करा है मैंने, तो कम्फर्ट मोड में ये रिजल्ट रहता है। अब मैं लगा लेता हूँ इसमें इको मोड, इको मोड मैंने लगा लिया है और पूरी लंबी रेस करेंगे आगे तक, और आप देखते हैं 1 2 3 आप कर लो या 3 हॉर्न दे देना, 3 हॉर्न दोगे, ठीक है 3 हॉर्न दो। तो गाइस इको मोड है, AC ऑन है मेरा, सारी चीज़ सारी एडवांटेज दे रखी है, और ये निकल गई भाई फीगो, चल 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 क्रेटा चल। यार इस बार क्या इको में अच्छी लॉन्च होती है क्या DCT, इसका भी कुछ नहीं पता भाई। अब की बार ये कर गई 100 120 पे क्रॉस इको मोड में भी, मतलब जीत हर राउंड में रही है, बस ये है कम्फर्ट मोड में पता नहीं उस टाइम लॉन्च क्यों नहीं हुई, एक तो गर्मी इतनी है क्या पता गेयर बॉक्स भी हीट होने की कगार पे आ ही जाता है, और ये देख लो कहाँ है फीगो, इको मोड है भाई ये मेरी गाड़ी का, इको मोड में कम गैप से आ रही है अगर बात करूँ स्पोर्ट्स मोड की तो। यार Hyundai वालों एक चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, गाड़ी बढ़िया है लेकिन जो DCT अगर दे रहे हो ना तो इसको ढंग का बना दो प्लीज़, क्योंकि ये भागता तो है फिर बाद में भागता है फिर मज़ा नहीं आता, स्टार्टिंग ऐसा ही कुछ बनाओ कि जो स्टार्टिंग से ही निकले, ऐसा DCT पता नहीं कैसा ही ट्यून कर रखा है ये DCT, एग्रेसिव ही नहीं है। खैर जीत तो गई है अपनी गाड़ी इको में भी कम्फर्ट में भी, कम्फर्ट में वैसे आप उसको भी विनर कह सकते हो एक तरह से 150 की स्पीड तक, लेकिन भाई 150 के बाद ये क्रॉस कर गई थी कैसे ना कैसे, तो हर मोड में मैंने आपको करके दिखा दिया है स्पोर्ट्स कम्फर्ट और इको, और AC भी अपना ऑन था भाई, हर राउंड में मैंने AC ऑन रखा है। क्या रही चीज़ है भाई हर राउंड में AC ऑन, हाँ इको कम्फर्ट में 150 पे क्रॉस करा इसने, कम्फर्ट में 150 पे क्रॉस करा, अच्छा हाँ लेकिन इको में 100 पे कर लिया, विदेशी करा होगा ना, विदेशी लेकिन इको पे पहले कर लिया, इसका कुछ नहीं पता DCT का इको में 100 120 इको में 120 क्रॉस कर रही है, अरे ये DCT है इसका कुछ नहीं पता, गर्मी हो रखी है ना, लॉन्चिंग ठीक है, लॉन्चिंग इस वाली में क्या था टायर टेढ़े थे, जाने दिया मैंने वो थोड़ी सी सीधे करने में, आई थिंक इतने में हो गया, बट वो जीत पर जीत नहीं, तो है इंटरचेंज कर रहे हो जीत तो पता ही नहीं, 3 राउंड बहुत है, है ना इको में निकल रही है तो क्या, क्योंकि भाई अच्छे से लॉन्च कर रहे हैं सारी बढ़िया चला रहे हैं, कंफर्ट में कौन जीता, कंफर्ट में 150 तक आगे थी ये,
150 पे क्रॉस करा था। तो तू इसको स्पोर्ट्स बताता है। हां कि कंफर्ट था। कंफर्ट में 150 तक आ गई। भाई डीसीटी है भाई, कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। ह्यूंडई का डीसीटी कबाड़ी कती कबाड़ है। कबाड़ी तो कबाड़ तो नहीं है, डीसीटी कबाड़ है ना, गाड़ी कबाड़ नहीं है, ह्यूंडई का डीसीटी कबाड़ है भाई। बाकी शिफ्टिंग तो अच्छी है भाई, आप चला के देखना इसको। पहले से जब दूसरा गियर लेगी ना, आपको लगेगा कि गाड़ी झटका मार के सांस लेगी, भरेगी अंदर, फिर चढ़ेगी और फिर उसके बाद किसी गियर में लैग नहीं है। तो गाइस यही थी आज की ट्रैक। आपकी डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा कि फीगो एस्पायर के साथ करो, तो कर दी। हर मोड में मैंने आपको दिखाया कि कौन जीत रहा है, अपनी क्रेटा टर्बो जीत रही है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगा, और ह्यूंडई वालों प्लीज़ इस पर गौर करो कि अपना डीसीटी अग्रेसिव बनाओ। फीगो 100 बीएचपी होने के बाद भी 150 तक इससे आगे निकल रही है, उसके बाद ये निकल रही है, तो क्या फ़ायदा है टर्बो वर्बो होने का। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ से निराश हुआ, बाकी जीत तो जाती है। तो यही थी वीडियो, आपकी डिमांड पूरी कर दी, अब आप मेरी डिमांड पूरी कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइज़।